तो अगर पुलिस नार्को टेस्ट के द्वारा से सच पता कर सकती है तो क्यों ना वो हर अपराधी का नार्को टेस्ट करवाए और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाए। तो दोस्तों, मेरा नाम है आरकेओ महतो और आपका स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स फर्स्ट में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर नार्को टेस्ट क्या होता है तथा और भी इससे संबंधित बेहतरीन तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए आइए इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसका उपयोग किसी अपराधी या फिर व्यक्ति से सच जानने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप फिल्मों तथा टीवी सीरियल्स में देखते होंगे। दोस्तों, यह टेस्ट कई सारे लोगों की उपस्थिति में होता है, जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक इत्यादि। दोस्तों, आइए अब हम यह जानते हैं कि नार्को टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है। दोस्तों, नार्को टेस्ट के अंदर उस अपराधी या फिर आरोपी को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे सच का पता करना होता है। नार्को टेस्ट में जो दवाइयाँ अपराधी या फिर आरोपी को दी जाती हैं उससे उस व्यक्ति का दिमाग सुस्त अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि व्यक्ति का लॉजिकल स्किल कम हो जाता है जिससे वह लॉजिकल सोच नहीं पाता। दोस्तों, नार्को टेस्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति को जो दवा दी जाती है उसे टूथ ड्रग कहते हैं, या कभी कभी किसी व्यक्ति को सोडियम पेंटोथल या फिर सोडियम अमाइटल का दवा भी दिया जाता है। इन दवाइयों के कारण व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वह ना पूरी तरह होश में होता है और ना ही पूरी तरह बेहोश होता है, जिससे व्यक्ति के सोचने की क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति से कुछ पूछा जाए तो इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि वह सच ही बोलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है जिससे वह बातों को घुमा फिराकर किसी को भी नहीं बोल पाता है। दोस्तों, झूठ बोलने के लिए हमें अपने दिमाग का ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, जबकि सच बोलने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। इसीलिए नार्को टेस्ट में उस व्यक्ति से जो भी पूछा जाता है वह लगभग सच ही बोलेगा, इसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि उस व्यक्ति की सोचने की क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, जिस कारण वह अपने दिमाग का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। दोस्तों, नार्को टेस्ट के अंदर हमें एक और बात बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि नार्को टेस्ट में सिर्फ उस व्यक्ति की बातें ही मायने नहीं रखती, बल्कि उस व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रिया का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। शारीरिक प्रतिक्रियाओं से यह पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का उस केस से क्या संबंध था या फिर किसी घटना से कैसा संबंध था। जैसा कि अगर किसी नार्को टेस्ट के व्यक्ति के सामने पेड़ पौधे या फिर प्राकृतिक चीज़ों की फोटो लाई जाए तो उसका शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है, तथा किसी व्यक्ति की फोटो या फिर किसी घटना की फोटो या फिर किसी केस से संबंधित फोटो पर वह कैसी प्रतिक्रिया देता है जिससे उस व्यक्ति का उस केस से संबंध है या फिर नहीं पता चल जाता है। तो दोस्तों, आइए अब हम यह जानते हैं कि आखिर पुलिस या फिर कोर्ट हर व्यक्ति का नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवाती और आसानी से सच की खोज करती। दोस्तों, नार्को टेस्ट कोई भी आम टेस्ट नहीं है, यह हर व्यक्ति का बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जिस भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट होता है उस व्यक्ति का नार्को टेस्ट होने से पहले कई सारे टेस्ट किए जाते हैं जिससे यह पता चल जाता है कि वह व्यक्ति नार्को टेस्ट के योग्य है या फिर नहीं। नार्को टेस्ट ज़्यादातर उन व्यक्तियों का बिल्कुल भी नहीं होता जो बीमार हो या फिर अधिक उम्र के हो या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हो। इसके अलावा व्यक्ति की सेहत तथा जेंडर भी नार्को टेस्ट को प्रभावित करती है। दोस्तों, नार्को टेस्ट करते समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि अगर दवाइयों का ओवरडोज हो जाए तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है या फिर वो कोमा में भी जा सकता है। तो दोस्तों, इन सभी कारणों के कारण हर व्यक्ति का नार्को टेस्ट नहीं किया जाता। इसके अलावा कई अपराधी तथा आरोपी इतने चालाक होते हैं कि वह नार्को टेस्ट करने वाले लोगों को चकमा दे देते हैं जिससे उन्हें लगता है कि वो सच बोल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और हो सके तो अपने बहुमूल्य विचार कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे एक और दिलचस्प तथा अमेजिंग वीडियो के साथ।